हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आप अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, लवर, बिलविड कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। स्पेशली कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं और अब जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो इनिशियल टू कार्ड्स और वन लेफ्ट साइड वाला कार्ड आपको लगता है आपके पर्सन की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन से मिलते हैं, तभी ये रीडिंग फर्दर आपके लिए है। और इनिशियल सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो ये रीडिंग किसी और के लिए भी हो सकती है। सो ये सब जानने के लिए आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, गहरी सांस लें, थिंक ऑफ द पर्सन जिनके बारे में आपको जानना है, उन्हें अपने माइंड में रखें। ना निगेटिव सोचें ना पॉजिटिव, जस्ट कीप दैट पर्सन इन योर माइंड सो देट आपको क्लैरिटी मिल सके कि उनकी लाइफ में ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। ऑलराइट, सो पिछले कुछ समय से आपके पर्सन किसी एक राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ कन्फ्यूज़न है। ब्लैक एंड वाइट दो तरह के पुलर्स यहाँ पर हैं, तो उन्हें फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें किस राह पर बढ़ना है, बट वो बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सोची समझी राह पर आगे बढ़ने के लिए। बट इन्हीं की फैमिली फ़िलहाल इनके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम कर रही है। टेन ऑफ कॉइन्स फैमिली को दिखाता है, तो ये एक ऑब्स्टिकल का काम फ़िलहाल यहाँ कर रही है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में प्लान्ड हैं अपने इन सिचुएशन से, अपने इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने के लिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन की ओर बढ़ना चाहते हैं जिनसे वो इमोशनली पहले अटैच्ड रहे हैं, या जिन्हें या जिनके साथ उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो ये आपके पर्सन का सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियसली वो चाहते हैं कि जिस सिचुएशन में फ़िलहाल स्टक हैं इससे बाहर निकलें प्लान करके, और कॉन्शियसली वो किसी ऐसे पर्सन की ओर बढ़ रहे हैं जिसके साथ उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अनफेयर किया है। आपके पर्सन का आगे बढ़ने का इरादा बहुत स्ट्रांग है। सिक्स ऑफ वेंट्स यहाँ पर है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। इन्होंने ठाना हुआ है, इनका एक्शन इन्हें फॉलो करना है। नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, 11, 6, 16 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। साइन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, तो फिलहाल ये साइन है। बट अगर सिचुएशंस आपकी हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। सो दिस इज़ गोइंग ऑन, ये सब कुछ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन आपके पर्सन ने किया हुआ है इस ऑब्स्टिकल से निकलने को। रेस्ट एंड रेजुविनेट, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच समझ कर प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्लानिंग का कार्ड आया है और ये भी एक्शन लेने का कार्ड है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है किसी पुराने पर्सन के लिए एक्शन लेने को। सिक्स ऑफ वेंट्स दिखाता है अपने स्ट्रॉन्ग इरादे को। रेस्ट एंड रेजुविनेट, फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, मेंटल थॉट्स को रेस्ट दे रहे हैं और सही और गलत के बारे में अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, पेशेंस दो कार्ड हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है और ये अब उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस काफ़ी रखा हुआ है क्योंकि इन्हीं के जो फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हैं वो फ़िलहाल इसी पर्सन के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं।
ऑल राइट गाइस, लेट्स सी कि जिनकी तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं अगर वो आप हैं तो ऐसे में आपके लिए एंजल्स से एक गाइडेंस लेते हैं एंड दिस गाइडेंस इज फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहां जो फैमिली एज एन ऑब्स्टिकल दिखाई दे रही है ये मे बी कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टेन ऑफ कॉइंस सेटल्ड फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे पेट्स सब कुछ हैं। यू आर रेडी, यस का आंसर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स में थोड़ा सा वेट करें, आपके पर्सन खुद ही एक्शन लेने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।